आज जो दो लोग हमारे मेहमान हैं, उन्होंने ज़िंदगी में बहुत कुछ करना है, आगे बहुत आगे जाना है, लेकिन सबसे बड़ी बात ही कि आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं उन दो लोगों की सपोर्ट के लिए। पहली मर्तबा कब देखा था दुल्हन को? शादी पहली दफ़ा निकाह वाले दिन देखा था। पहला जुमला क्या कहा था तुमने बेगम से? पहला जुमला बस यही कहा था, और कैसे हैं, ठीक हैं। तो और आपको कैसे लगे अभी तक के जो रफाकत गुजरी है चंद दिनों की, ये कैसी लगी? बहुत अच्छा है। ख्याल रखते हैं आपका। तुम्हारी फीलिंग क्या थी जब तुम्हारी ये मेहंदी की रस्म हो रही थी, तो क्या लग रहा था? वैसा लग रहा था कोई ख्वाब देख रहा हूँ। कैसे लग रहा है आपको चेहरा? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी लग रही है। आईना टूट ना जाए। बाबुल की दुआएं लेती जा। अच्छा, वालदा से तो लोग एसोसिएट करते हैं ना, कहते हैं कि जी ख्वातीन हैं वो रोती हैं, लेकिन मर्द जब रोता है तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन वाकई वो यहाँ लगती है। आप अगर अपने वालिद को भी कुछ कहेंगी तो क्या कहेंगी? सामने कैमरा है। मैं जब भी उनको देखती हूँ बहुत अच्छे लगते हैं, जो बस मैं कहती हूँ वो सबको मिले। यही डूबे दिन मेरे अस्सलामुअलैकुम। थोड़ा सा जोर से बजाइए, 1 2 3 एंड गो थालियां। यस, आज का प्रोग्राम मैं एक ऐसे शख्स के नाम कर रहा हूं जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूं, पूरा पाकिस्तान फैन है, और ही इज ट्रूली अ लेजेंड। मेरी जिंदगी में ये उन लोगों में से हैं जिनकी अहमियत बहुत ज्यादा है। मैं आज जो कुछ भी हूं उसमें उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। मैंने हमेशा एक बात कही है कि मैं कुछ लोगों का रिस्क खाता हूँ। ये मेरे उस्ताद हैं, मेरे रूहानी उस्ताद हैं, मैंने इनसे बहुत कुछ सीखा है, और मुझे कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये जहाँ लिटरली ये जहाँ शुरू होते थे वहाँ मैं ख़त्म हो जाता हूँ। मैं इन जैसा कभी नहीं हो सकता, इन जैसा बनने की हमेशा कोशिश की है, और हमेशा सोचता हूँ कि काश अगर मैं इन जैसा हो जाऊँ, एक ज़िंदगी में एक जुमला मैं वैसा भूल दूँ, उस टाइमिंग के साथ बोल दूं। ही ट्रूली इज समवन हु इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। मैंने उनके लिए है का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया क्योंकि मैं नहीं समझता कि वो चले गए, वो मेरे साथ आज भी हैं। मेरा उनसे जो ताल्लुक रहा है वो बड़ा डिफरेंट है। डांटा करते थे मुझे बहुत सारी बातों पे, फिर जब एक रोज वो चले गए तो मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा कुछ हिस्सा अपने साथ ले गए। आज मैं किसी भी शो से पहले उनका नाम जरूर लेता हूं अपने दिल में, और उसके बाद वो शोज शुरू करता हूं। जब बहुत बड़े बड़े शोज करता हूं, 50-50, 60-70 हज़ार लोगों के मजमे के शोज करता हूं, तो मुझे वो याद आते हैं। ट्रूली अ लेजेंड लेडीज एंड जेंटलमैन, बहुत सारी तालियां आज बरसी है मोइन अख्तर साहब की। एक पैकेज है जो हमने मोइन साहब के लिए बनाया है, पहले वो देख लीजिए, उसके बाद आज का शो बहुत स्पेशल है। दो बेहतरीन लोग हमारे मेहमान हैं आज, उनकी शादी की जो वीडियोस हैं वो हम आपको दिखाएंगे, साथ साथ उनकी ज़िंदगी कैसे गुजर रही है ये आपको बताएंगे, उनसे बहुत अच्छे अच्छे सवाल करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें होंगी। लेकिन सबसे पहले आज उस शख्स के नाम, ये सारा शो जिस शख्स की वजह से कम मैं यहां खड़ा हूं, और हमारे बहुत सारे लोग जो होस्ट करते हैं वो यहां पे खड़े, लेडीज एंड जेंटलमैन मिस्टर मोइन अख्तर साहब, चलाइएगा। जो किरदार निभाया उसे अमर कर दिखाया, अगर ये जुमला किसी पर फिट बैठता है तो वो है मोइन अख्तर। बहुत तकलीफ में था इसलिए ऐसा बता रहा। 10 साल हम दूबे बेटा,
9 साल अंदर था, 1 साल बाहर था। हाफ प्लेट के मिर्जा साहब हों, जिसकी इसलाह की जाती है उसे घूरा भी जाता है। हमारे बाज़ उस्तादों ने तो बगैर इसलाह के भी घूरा। या नटखट रोजी, टीवी स्क्रीन की रोजी और इस रोजी में बहुत फर्क है। लेजेंडरी अदाकार का हर किरदार आज भी जहनों में जू का तू है। सारी जिंदगी लोगों के चेहरों पर हंसी बिखेरने वाला ये अजीम फनकार जाते जाते लोगों को रुला गया। अभी मैं टीवी वन के लिए काम करता था और जिंदगी के बहुत सारे बहुत अच्छे शोज मैंने वहां से उस टेलीविजन से किए हैं। अली हमारे पास वो है, वो पैकेज है। अच्छा, वहां पर मैंने एक शो किया था मोइन साहब का, तो वो मैं कोशिश ये करूँगा कि आज मैं कर्टेसी के तौर पे आपको दिखा सकूँ। अली उसको अभी डाउनलोड करने की कोशिश कर रहे हैं और वो बड़ा अच्छा शो था। मैंने उनके लिए रेड कार्पेट बिछाया, वो आए तो उन्होंने एक जुमला मचा के कहा कि जिस प्यार से बुलाया है इसी प्यार से रुख्सत भी करोगे। मैं उनसे कहना बहुत कुछ चाहता था, नहीं कह पाया। सिर्फ इतना कहता हूँ कि रुख्सत मैंने आपको कभी नहीं किया, बिकॉज आई हेट गुड बाइज, आई कॉन्ट से गुड बाई टू यू। यू आर ऑलवेज हेयर इन माई हार्ट, यू आर ऑलवेज हेयर विद अस, यू आर अ ट्रू लेजेंड एंड आई विश कि जिंदगी में कभी एक जुमला मैं आपकी तरह से बोल सकूं। आपसे अच्छा कभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन आपकी तरह से बोल सकूं मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। लेडीज एंड वी ऑल लव मोइन अख्तर। मोइन अख्तर साहब के लिए बहुत सारी तालियां। मोइन अख्तर साहब को अहमद रुश्दी साहब का एक गाना बहुत पसंद था और मेरा ये प्रिविलेज है कि मैंने उनके लिए वो गाना किया था। थोड़ा सा मैं उसका एक, बिकॉज वो सैड है एंड आई डोंट वांट दिस टू बी सैड। मोइन साहब हमेशा एक बात कहा करते थे जो राज कपूर साहब ने भी कही थी, द शो मस्ट गो ऑन, शो मस्ट गो ऑन, और शो जो है वो चलता रहता है। मैं अगर नहीं भी हूँगा तो भी ये शो चलेगा, मेरे बाद और बहुत सारे लोग आएंगे जो मुझसे बेहतर काम करेंगे और ये शो इसी तरह से चलता रहेगा। द शो मस्ट गो ऑन, तो वी आर मेकिंग श्योर द शो इज गोइंग ऑन, लेकिन आज ये उनके लिए। छोड़ चले हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले, छोड़ दीजिए छोड़ चले हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले। जब तुमको हमारी याद आए और दिल भी तुम्हारा घबराए, सीने से लगा कर याद मेरी तुम दिल को तसल्ली दे लेना। तुम जिनको कभी भूलोगे नहीं, हम ऐसे नगमे छोड़ चले छोड़ चले हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले हम छोड़ चले, लो शहर तुम्हारा छोड़ चले। पाकर भी तुम्हें हम पा न सके, अपने थे मगर अपना न सके, ये खेल है सारा किस्मत का, तुम दिल को तसल्ली दे लेना। थे साथ कभी जिन राहों में, उन राहों से मुंह मोड़ चले, छोड़ चले हम छोड़ चले, ये शहर तुम्हारा छोड़ चले। लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉन्ग लिव द लेजेंड द मोइन। अच्छा देखिए, मैं सच्ची आपको बता रहा हूँ, मैं जब भी मोइन साहब के बारे में बात करता हूँ मेरे ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए हैं, मेरे करियर की ऐसे ऐसी उतार चढ़ाव मोइन साहब की वजह से है। देर आर टू पीपल इन दिस वर्ल्ड जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ,
जिनके पांव की खाक नहीं हूं मैं, लिटरली. वन इज मोइन साहब, द अदर वन इज उमर शरीफ साहब. दीज आर द टू पीपल जिनको मैंने बहुत फॉलो किया. इनका रिस्क मैं खाता हूं, इनका रिस्क खाता हूं. आई लव मोइन अख्तर एंड आई लव उमर भाई. बहुत बहुत शुक्रिया बोथ ऑफ यू. थैंक यू फॉर बींग देयर इन माई लाइफ. थैंक यू फॉर बींग देयर इन पाकिस्तान. थैंक यू दैट वी आर लिविंग इन योर एज. आई थिंक मेरे ख्याल में कभी जिंदगी के अंदर जब पीछे पलट के मैं देखूंगा या आप सब लोग देखोगे तो आप लोगों को मैं याद रहूं ना रहूं, ये दो लोग हमेशा याद रहेंगे, बिकॉज दे आर द ट्रू लेजेंड्स. दे आर द ट्रू लेजेंड्स. इन दोनों के लिए बहुत सारी तालियां. आइए आप जरा अच्छा अच्छा शो करते हैं, इन दोनों के लिए जोर से तालियां बजाएं. आप लोग कोई बहुत अच्छी सी धुन बजाएं, हम कॉल देना शुरू करते हैं. आज हमारे साथ दो ऐसे लोग मेहमान हैं जिनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं. दे बोथ आर इन द इंडस्ट्री और वो दोनों ही बहुत कमाल लोग हैं. लेकिन पहले दो हम कॉल्स लेते हैं. मुझे बता दीजिए गाली जब भी वो लोग रेडी हैं. लेट्स टेक अ फोन कॉल. लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन. अस्सलाम वालेकुम जी. हेलो. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं आप? कैसे हैं भाई? मैं बहुत अच्छा हूँ. आप बताइए आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. और आपका शो हमेशा की तरह बहुत जबरदस्त और खूबसूरत. आपके मेहमान भी बहुत हमेशा बहुत अच्छे होते हैं. अच्छा आप ये बताइए, आज आपको अंदाजा है कि कौन मेहमान है? आज अगर आपने गेस कर लिया 10,000 रुपए आपके. आप थोड़ा सा हिंट दीजिएगा मुझे. चले मैं आपको एक मैं आपको हिंट देता हूँ. एक नाम है सब सेट है. एक सिटकॉम था सब सेट है. सब सेट है एक सिटकॉम था पाकिस्तान का पहला. कॉमेडी यार कोई म्यूजिक वगैरह तो दो डालो ना कुछ, क्या कर रहे हो तुम लोग. पहला सिटकॉम था. एक और टेलीफोन कॉल लेते हैं. 10,000 रुपए का कैश प्राइज है. 10,000 रुपए का कैश प्राइज. अस्सलाम वालेकुम जी. पाकिस्तान 10,000 रुपए जीतने तो कॉल करो. अस्सलाम वालेकुम. हेलो हेलो हेलो. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. हेलो. अच्छा जी और जी चलें, अब आपको पाकिस्तान नहीं जीतना चाहता तो मैं क्या करूं. लेडीज एंड जेंटलमैन, ये दो लोग हैं, बेहतरीन लोग हैं, एक दूसरे के लिए बहुत बेहतरीन है. पाकिस्तान के लिए बड़ा काम किया है, बहुत काम किया है. ये जो हैं अब थोड़े से पॉलिटिक्स के अंदर चले गए हैं और वहाँ पर बहुत जो उनकी अपना नज़रिया है उसके हिसाब से ये काम कर रहे हैं. जो बेगम है इनकी वो बहुत कमाल होस्ट हैं, बहुत अच्छा गाती भी हैं लेडीज एंड जेंटलमैन. आज हम उनसे गाने वाने भी सुनेंगे, उनकी बात भी करेंगे कि किस तरह से उनकी शादी गुजर रही है. दो बहुत खूबसूरत लोग और एक बहुत अच्छा कपल. लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर द वंडरफुल एंड द लवली, द पेयर ऑफ हिरा एंड मानी. मानी और मैंने कभी कोई शो साथ नहीं किया. आज पहली मतलब ऐसा रहा था मानी है ना यार तुम्हें शो के कहने. बहुत पहले जब आपने भी नया स्टार्ट किया था तो एक इंटरव्यू किया था. तुम लोगों ने इस काबिल ही नहीं समझे कि मुझे बुलाओ अपने शो में. हमने हमेशा बुलाया, आप आए नहीं. अच्छा ये बता कैसे, हाउ आर यू? यू आर लुकिंग गुड माशाल्लाह. आज मैंने दोबारा शादी का जोड़ा जो है निकाला, शादी के करीब करीब का. लेकिन मजे की बात है तुमने जिससे जो जोड़ा निकाला है वो जोड़ी वाली के साथ ही निकाला है. वो असल में एक्चुअली होता ही है कि इन शादी वीक्स और इन वीक्स के बाद जो है ना, आप वैसे तो बहुत वीक हो जाते हैं लेकिन आपको थोड़ी सी ये मिलता है कि हाँ ठीक है अभी तो मैं जवान. हाँ वैसे चार्म आ जाता है एक लाइफ में ना, जब हम ऐसे शो से जाते हैं कि हाँ यार हमारी शादी हुई थी, वो टाइम याद आ जाता है. पहले मैं बड़ा खिलाफ था इन शो की, मैंने यार ये फिर मैंने खुद करने शुरू कर दिए थोड़े दिनों बाद. अच्छा मैंने कहा ठीक है यार सही चलता है. दीस आर गुड शोज यार. और आज हमारे पास तुम्हारी बहुत सारी वीडियोस हैं, तुम्हारी बहुत सारी चीजें हैं. कौन सी वाली? नहीं शादी की और कोई नहीं है, और कोई नहीं मानी हम लोग ऐसी कोई वीडियो नहीं दिखाई, ओनली शादी की. हाउ आर यू? कैसे हो आजकल? हो क्या रहा? सियासत हो रही थी कुछ अरसे तक, काफी अरसे तक, और इलेक्शन लड़ते मैंने विड्रॉ किया. रियली? लेकिन अब नेक्स्ट वाले में मैं हूँ. अच्छा, तो आप लड़ रहे हैं, कंटेस्ट कर रहे हैं? कंटेस्ट कर रहा हूँ.
यार अच्छा है, बेस्ट ऑफ लक टू यू, बेस्ट ऑफ लक टू यू। लेकिन हमें आपको कैसा लगता है जब ये कहते हैं कि ये लड़ रहे हैं इलेक्शन, तो कैसा लगता है? मैं डर जाती हूँ थोड़ा, लेकिन फिर मुझे बहुत समझाता है, देखो हीरा ये जरूरी है, चलो ठीक है। फिर वो ऑब्वियसली मैं पाकिस्तान पे बिल्कुल मुझे कोई भरोसा नहीं है इस मुल्क में, जिस तरह के लोग और पॉलिटिशियंस हैं, तो मैं इससे थोड़ा जुमला ठीक कर लें, पॉलिटिशियंस पे भरोसा नहीं है, पाकिस्तान पे तो दुनिया में सबसे ज्यादा भरोसा हमको यार। बिल्कुल बिल्कुल, पाकिस्तान पे तो है, वो पाकिस्तान में रहते हैं ना, पाकिस्तान नहीं। आप मैं सच बोलती हूँ, देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट, यहाँ पर कब क्या हालात हो जाए पता नहीं। मैं तो बहुत ज्यादा मानी को बोलती थी प्लीज मुझे बाहर शिफ्ट कर दो मेरे, क्योंकि बच्चों के बाद आप बिल्कुल वो हो जाते हैं कि बच्चे। आपकी शादी को कितने साल हुए? अभी तो हैं। तो बस दो साल के बाद बोलना मत शुरू कर देना कि बाहर शिफ्ट कर दो, बाकी कर देगा। हाँ। नहीं क्योंकि बाकी में मैं बिल्कुल इसके हक में नहीं थी, आफ्टर किड्स का कब कुछ ब्लास्ट हो जाए, कब क्या हो जाए, मतलब बच्चों की फिक्र। आप जब अकेले होते, सिंगल होते हैं, आप फिर हर जंग में निकल जाते हैं। मुझे लेकिन ये बिल्कुल नहीं सोचता है। पंगे लेने का शौक बचपन से है। क्या लेने का शौक? पंगे लेने का शौक बचपन से है। और देखिए आज आपके शो की डिक्शनरी भी चेंज होगी थोड़ी सी, क्योंकि मेरी भी अपनी डिक्शनरी है, ये साहिर को पता है। हाँ बिल्कुल, और वो तो मेरी है। तो बेसिकली ये है, मेरे अब्बा मरहूम जो हैं 6-8 महीने पहले, वो भी चल रहे थे, वो बड़ा मना करते थे मुझे, क्यों कर रहे हो ये, नहीं करो ये वो वगैरह वगैरह। फिर मेरे भाई, फिर मेरे रिश्तेदार, फिर हेरा, फिर इनके अब्बू, मामा, किसी कोई सारे इंडस्ट्री वाले पागल हो गया। लेकिन मुझे लगता है कि ना मैं कि जो बात मेरा है अभी वो सही है, क्योंकि समाओ किसी ऐसे के सामने खड़ा हो जाना जिससे लोगों की टांगें कांपती हो, कम से कम ये भी गट्स की बात है। तो ये समाओ मेरे अंदर ये आती गई चीज़ें आती गई, और मैं सबको ये एहसास देता हूँ कि आप लोग भी बातिल के ख़िलाफ़ जो भी आपको लगे, मतलब मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, उसके ख़िलाफ़ खड़े हों, ताकि एटलीस्ट आपकी जनरेशन जो ये बच्चे बैठे हुए हैं छोटे छोटे, ये सेफ हो जाएं इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए खास तौर। लेकिन मेरे ख्याल में आई थिंक पाकिस्तान में पॉलिटिशियंस बहुत हैं, कम लोग ऐसे हैं जो आप जैसे हैं, जिन्होंने पाकिस्तान को नए ट्रेंड्स दिए हैं, सिर्फ कॉम्स के अंदर दिए हैं, एक्टिंग में दिए हैं, तो आई थिंक वी नीड यू मोर देयर। ऑनेस्टली मेरी अपनी फीलिंग है, डजंट हैव टू बी, मेरी अपनी फीलिंग है। आई डोंट थिंक कि मैं पॉलिटिक्स के लिए बना हूं, मैं सपोर्ट जरूर कर सकता हूं लोगों को, बट आई डोंट थिंक आई एम मेड फॉर दैट। एक कॉल लेते हैं, कॉल के बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो, सॉरी मैं यार माइक ले रहा हूं बिकॉज़ ये वाला चल नहीं रहा जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हीरा और मानी हमारे साथ आज मेहमान है, प्लीज बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं रा? आप ठीक हैं? आप कैसी हैं? ये मानी कैसे हैं? अल्लाह से ठीक ठाक सेट, पहले से बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे कैसे हैं जी आपके? बच्चे ठीक हैं। आप आए घर क्यों नहीं आ रही है आजकल? आप आंटी बहुत अच्छा कपल है आपका, माशाल्लाह से बहुत अच्छी होते हैं आप। अच्छा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है, मानी तुम ले लो। हाँ हेलो, कैसी हैं आप, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, कैसे हैं मियां आपके? अल्लाह का शुक्र मैं ठीक ठाक, आप सुनाए कैसे हैं? शादी हो गई आपकी? नहीं हुई, अल्लाह का शुक्र है, पांच बच्चे हैं। पांच बच्चे हैं, माशाल्लाह। जब भी ऑफिस में मियां आप माशा का बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू। बस मेकअप का कमाल। तो क्या 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 फार्मूला आपका कि घर में लड़ाई नहीं होती? प्यारे लग रहे हैं। आपके घर में क्या फार्मूला कि लड़ाई नहीं होती, बताइए जरा हमें भी थोड़ा सा। जी आपके घर में वो ऐसे क्या चीज होती है कि आपके घर में लड़ाई नहीं होती, लड़ते नहीं आपस में आप लोग? नहीं अल्लाह का शुक्र है, लड़ाई किस बात की करनी, जब हर चीज पूरी हो जाए तो फिर लड़ाई किस चीज की होगी? तो पहला घर है लड़ाई नहीं होती। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, हेलो। वालेकुम अस्सलाम, क्या नाम है आपका? उज्मा, फैसलाबाद से बात कर रही हूँ। उज्मा बहुत शुक्रिया कॉल करने का, हीरा और मानी से बात कीजिए। हीरा और मानी बहुत प्यारे लग रहे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और इनकी होस्टिंग इतनी अच्छी ये करती हैं कि मजा आ जाता है। थैंक यू सो मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा हमारे पास जी दूसरा, मैंने सहर भाई से बात करनी है जी। बोलिए बोलिए सर भाई, आपने सुबह सुबह जो सॉन्ग गाया उससे बस आपने रुला ही दिया इतना, यानी कि बस प्रोग्राम तो हम बड़ी खुशी से देखते हैं कि अब एंजॉय करेंगे, लेकिन मुझे बात नहीं हो रही, मैं रोने से ही आपका प्रोग्राम देखा के नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, मैं लाइफ के बारे में थोड़ा सा अलग सोचता हूं। सबकी जिंदगी का एक साइकिल होता है और वो एक दिन खत्म हो जाता है, अब उसको हम सेलिब्रेट अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है। एक सोल सिंगर थे जेम्स ब्राउन, आई मीन बाय द वे प्रिंस डाइड, वो अभी
कल उनकी डेथ हुई है. चाइना इज गॉन नाउ, तो वो भी खत्म हो गई. दुनिया में लोग आते हैं जाने के लिए आते हैं. मोइन साहब जो कुछ दे गए हैं अपनी लाइफ में, मेरे ख्याल में वो मुस्कुराहटें हैं जो उन्होंने बांटी हमेशा. तो यू नो यू शुड रिमेंबर दैट. आई एम श्योर कि आपको दुख हुआ, आपको तकलीफ हुई. आई एम रियली सॉरी फॉर दैट. आई अपोलोजाइज, हम्बली अपोलोजाइज. लेकिन एट द सेम टाइम आई थिंक आई एम ग्लैड कि मैं उनके दौर में जिंदा रहा हूँ. मैं उनके दौर में रहा हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस बात से. और वेर एवर ही इज, आई लव हिम. आई एम श्योर कि आप भी इसी तरह से उनसे प्यार करते हैं. तो बस आज का शो उन्हीं के नाम है. छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे पास तुम्हारी मेहदी की वीडियो है. आई थिंक तुम्हारी रुखसती की भी है. अली हमारे रुखसती है, रुखसती भी है, एंड आई थिंक वलीमा भी है. नॉट रुखसती बट वलीमा है. वलीमा तो बहुत अजीब तरीके से रो रही थी मैं. हाँ, वही जो वीडियो आ वही लगाएंगे. छोटा सा एक ब्रेक है, जब अजीब तरीके से हिरा रो रही थी. छोटा सा एक ब्रेक, आप सुनो तो ब्रेक के बाद रहेगा. खुदा का वास्ता, अख्तर भाई से कहें चाय ला दें हीरा मानी के लिए, प्लीज चाय ला दें. ब्रेक के पीछे मैंने एक चीज़ देखी है जो कि बड़ी ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, जो कि आने वाली है, बल्कि पाकिस्तानियों के लिए एक सरप्राइज भी होगी. हाँ. और आजकल सोशल मीडिया पे भी सर्कल कर रही है, और मेरी तो फुली सपोर्ट है उस चीज़ पे. और बल्कि मैं चाहूँगा जो मैं चीज़ बनाऊँगा उसकी भी सपोर्ट जो आपकी तरफ से मिलेगी. आई विल, आई विल, बल्कि आप होंगे उसके अंदर 100%. तो सिनेमा के दौर है, फिल्म बन रही हैं, और साहिर की फिल्म आने वाली है. तो जब कैंपेन होगी फिल्म की तो मैं साथ हूँ सर. जाना भाई, हमेशा उसकी कैंपेन हम पहले कर रहे. फिर बाद में 30% शेयर ले लूंगा मैं. भाई आप 50% ले लीजिएगा, कोई मुझे इशू नहीं है. हम लोग एक खास कॉज के लिए मैं पिक्चर कर रहा हूँ. जाहिर है कोई ना कोई चीज़ रिलेटेड होती है मेरी किसी भी चीज़ से, तो वो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि मैंने पिक्चर क्यों की है और इसका रीज़न क्या है, इसके पीछे कॉज क्या अटैच्ड है. लेकिन आई रियली होप एंड प्रे कि वो लोग जो पसंद करते हैं वो भी जाएँ, और जो लोग ना पसंद करते हैं वो भी जाएँ. बिकॉज आपको मुझसे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन जिस कॉज के लिए हम ये काम कर रहे हैं शायद उस कॉज से आपको कभी इख्तलाफ नहीं होगा. एनीवेज, तुम्हारे शो की बात है. आपको बस ऐसा था ना, जो कि जो दिल चाहता है वो करता है, और इंडस्ट्री में होना भी ऐसी चाहिए. और एक चैप्टर है आप. मैं एक चैप्टर हूं. हां, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी हां इंटरेस्टिंग. मजे के एक साहिल लोधी हैं और बड़े इंप्रेसिव हैं, बहुत अच्छे हैं. मतलब साहिल लड़की के दिल की रौनक, साहिल लोधी. हर माँ एक ऐसे ही बच्चा चाहती है कि उसकी बेटी की शादी ऐसे लड़के से हो. एक और एक बीवी चाहती है ऐसा शौहर हो, एक बहन चाहती है ऐसा भाई हो. हाँ. You know, इतने example. जब रिश्ते लेने के लिए आप जाते हैं, नहीं लड़का जब जाता है तो इतने छोटे बालों में रिश्ता मिलता नहीं है. स्टैंडर्ड है पाकिस्तान. अच्छा, आपका रिश्ता कैसे हुआ था? यार मेरा तो, हाउ डिड यू गाइस मीट एक्चुअली हाँ. मेरा ये तो हम लोगों का टेलीफोन मोहब्बत शुरू से स्टार्ट हुआ. मैं और टीपू बैठे हुए थे, और रेहान शेख अक्सर एक साथ ही टीपू. हां हां, आई नो, वी नो. तो हम लोग बैठे हुए थे, यार मैं एक इंटरेस्टिंग सी कॉल आई, और मरियम की कॉल थी. वो मरियम ही थी, मरियम खान मन कैसे कॉल की, और उसने जरा चीज़ा लिया, मेरा मजाक उड़ाया गया नाम है, और करके फिर उसके बाद से मुझसे बात करनी शुरू की. तो मैंने कहा रेहान ये बड़ी मजे की कॉल है, क्योंकि नॉर्मली होता ये था कि हम लोग कभी फारिग नहीं रहते थे उस टाइम पे, कभी भी नहीं. और मानी की जो पर्सनैलिटी ऑन टेलीविजन और ऑन एफएम थी, तो मैं सोचती थी कि यार इससे बात करने के लिए ना कुछ डिफरेंट टोन होना चाहिए मेरा, ये ऐसे नहीं बात करेगा. क्योंकि मैंने 2-3 दफा जब इसको ऐसे कॉल की थी ना, इससे मैं फोन बंद कर दिया था. एक काम करते हैं, यहाँ पर रुकते हैं, तुम्हारी मेहंदी पे चलते हैं, उसके बाद स्टोरी को यहीं से थोड़ा सा जरा रिवर्स में जाते हैं. अच्छा, पहले तुम्हारी मेहंदी दिखाते हैं. हाँ, हाँ, फिर देखेंगे मरियम खान ने बात कैसे की थी. हाँ, ठीक है. तो पहले सबसे पहले तो दिखाओ जी मेहंदी में, जरा कैमरा अटैक कर, जरा देखने दे मुझे मेहंदी कहाँ. मैं भी दिखा दो यार. हाँ, दिखाइएगा जरा.
मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, लेने तुझे वो गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना, ओहो ओहो चेहरा छुपा के रखना, चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, ये दिल की बात अपने दिल में दबा के रखना। चेहरा सजा के रखना, चेहरा छुपा के रखना, मेहंदी लगा के रखना डोली सजा के रखना। खान के साथ क्या वाकया हुआ था? तुम मतलब वो पहले आ गए थे? यार वो बिल्कुल ही पहले आ गए। वो एक्चुअली हुआ ये कि हमारे यहाँ तो है ना 9 बजे का बोल दिया तो 11 बजे आने, वो 9 बजे आ गए थे। यार मैं तो परेशान हो गया, मैं और वो यूनुस है पंक्चुअल टाइम का, तो फिर मैं ऊपर भागा जल्दी से। नहीं आप कर कह रहे थे, वो बड़ी इंटरेस्टिंग। यार मैं तो नहा रहा था भाई, सिर्फ बोला यूनुस खान आए। अच्छा दैट्स योर फादर? हाँ मेरे आपके फादर है। तो वो क्या नाम है, फिर हमने मैनेज किया। मानी असल में लेट इसलिए हो गए थे क्योंकि वो मेरे घर आ गए थे अपने बाल सेट बाल बनाने के, मानी के बाल मेरे बाल बनाने थे। उस टाइम पे मेरे हुआ ये था कि इनके भाई मुझे एक जगह लेके चले गए वो बाल से करवाने के लिए, उसने मुझे ब्लीच कर दिया। उस बंदे ने मुझे कभी जिंदगी में नहीं लगवाई। मैंने कुछ नहीं कहता यार, ये शादी से पहले होता है। अच्छा अरे यार हम लोग तो नहीं करते, टी वी पे आते हैं मुँह जला दिया। मेरा अगर और डार्क कॉम्प्लेक्शन हो गया उसके अंदर मेरा। अच्छा इतना डार्क था नहीं मैं तो। उसके बाद उसने बाल भी अजी से काट दिए टेढ़ी कैंची से, और मैंने कभी नहीं कटवाए थे। और तुम ऐसे ही चले गए इनके पास? मैंने कहा बाल बनाओ हेरा, इसको मेरे बाल बनाओ। और मैंने मायूं में मैं दुल्हन बनी थी, मैंने पूरा अपने मुंह पे निंजा बनी पहले मैं, फिर मैंने इसके बाल बनाए। ओ यू लुक नाइस दो। अभी ये अच्छी ये कौन है? ये आपकी मानी की कजिन है। ओके ओके ओके। तो कौन कौन आया हुआ था तुम्हारी शादी? सब हैं, सब आएंगे। हां अभी थोड़ा आगे करते हैं। आपके सब थे? हां आपके सभी थे। वाओ बस ये नहीं थे नहीं आपके। और ये आपके घर की छत है? छत पे हो रहा है, छत पे हो रहा है सब। हां छत पे। अच्छा इन लोगों ने एक आईडिया दिया, ये कह रहे हैं कि हमारी एक कंबाइन मेहंदी दोबारा होनी चाहिए। होनी चाहिए? हां जी होनी चाहिए। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं पहले, उसके बाद हम इस तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप जी? शायर भाई क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। प्लीज बात कीजिए हेरा और मानी से जी। अस्सलाम वालेकुम हेरा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? क्या हाल चाल है? मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, आपका कपल बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जी। मेरी पहली दफा कॉल लगी और फर्स्ट टाइम ही कॉल लगी आप लोगों से बात करने के लिए। मैं आपकी मेहंदी का फंक्शन देख रही हूँ, बहुत जबरदस्त है। क्योंकि शो में सिर्फ लड़कियों की कॉल आती है, खवातीन की ऐसा नहीं तुम्हें देख के आ रही है। कैसी हैं आप बाजी? मानी भाई ठीक ठाक। बाजी कैसी हैं आप जी? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोग कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं आज बहुत खुश हूँ। पूछते रहेंगे 5 मिनट तक हम, आप कैसे हैं? मैं आज बहुत खुश हूँ। अरे माशाल्लाह मैं भी बहुत खुश हूँ। इसलिए कि आज 22 अप्रैल है और मेरी माइयों का दिन था आज 2007 में। क्या बात है। मेरी अपनी बर्थडे भी आज के दिन होती है और मेरी बेटी की बर्थडे भी आज के दिन होती है। बहुत अच्छे। मेरी बेटी आज 7 साल की हुई है, मेरी अपनी बर्थडे और मेरा मायो, तीनों फंक्शन आज 22 अप्रैल को दिन है और आज मेरी कॉल मिल गई है। ओ वाह क्या नाम है आपकी बात है। आपकी बेटी का नाम क्या है? मेरी बेटी का नाम है कायनात और आज साहिर भाई की तरफ से हम सबको कोई स्पेशल गिफ्ट होना चाहिए। बस सही है, रात के खाने पे आ रहे हम तीनों। मैं साहिर रात के
रात के खाने पे हीरा और मानी आपके मेहमान होंगे, मुझे थोड़ा सा काम है तो मेरा तो रेडियो है। आपको क्या काम है? रेडियो 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 घर पे भी कपड़े लेके आ सकता है, ये कुछ सिस्टम अब ऐसा होना चाहिए, होना चाहिए ना, होना चाहिए। घर में बैठ के आप उनसे पैसे भी दे रहे, साथ में आप काम भी करते रहे, साथ में आपके एक सेकंड मैं बाथरूम से होकर आ रहा हूँ, ये भी एक आवाज आनी चाहिए। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शिखा? अरे बिल्कुल मजे में, आप बताएं आप कैसी हैं? हां साहिब भाई, मेरे बेटे की बर्थडे थी और मैं कल से ट्राई कर रही हूँ, 500 मिस कॉल कर चुकी हूँ, रिसीव ही नहीं करते आप लोग। मुझे समझ में नहीं आया क्या बोला। विश कर रहे हैं कि बेटे की बर्थडे है, तो आप लोग विश कीजिए प्लीज। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। नाम बताया नहीं आपने। अच्छा जरा जरा थोड़ा सा अगर वहाँ बस डांस है तो वो दिखा दीजिए, आपकी मेहंदी पे कौन कौन लोग डांस कर रहे थे जरा दिखाइए। नदीम जाफरी आ गया। हाँ नदीम जाफरी साहब, ओह देयर यू गो, टीबो आप देख सकते हैं। हमने देखी है बचाना, जो देखी थी अमेजिंग मूवी थी, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी। और उसके बाद मैंने क्लिप देखा जिसमे ढोल बजा रहे थे, इतने मजे करने का, जिसने बचाना देखी उसके लिए, जिसने बचाना नहीं देखी उसके लिए, जो बचाना कभी नहीं देखेंगे उसके लिए, वो भी मैंने देखा था। बहुत अमेजिंग। अच्छा हाँ दिखाइए जरा दूसरा, दूसरा एक और डांस है जी, ये कौन है? हबीब मामा आ गए। कौन है? हबीब मामा। हबीब मामा अच्छा है ना, मैं जाके इसको बुलाएंगे। डालनी चाहिए, तुम लोग डालिए, बड़ा बड़ा मजे की वीडियो है ये। हाँ। बहुत मजे की है। अब ये कौन है? दानिश दानिश। ओह माय गॉड। अच्छा कैसा लगता, कैसा आप तुम लोग देख रहे हो उसको? तो यार बहुत मजा आ रहा है, मुझे भी यही देखा, यही देखते रहते। अच्छा एक बड़ी जबरदस्त बात होती है, ये मौजूद नहीं थी हीरा वहाँ पर अपनी मेहंदी में, नहीं थी। हां बिल्कुल। क्यों, क्या हुआ था? बस ये मेरी अम्मी जो अभी देख रही होंगी सामने को, अम्मी कैसी हैं आप? अम्मी ने कहा ये रुकेगी नहीं ना, गाने जब चल जाएंगे तो इसके तो पाँव में खुजली हो जाएगी। तो वो आपने श्रीदेवी की मूवी देखी थी, जब गाने बजते वो रिश्ता आया होता है, वो खड़ी हो जाती डांस करने। तो मेरे साथ वो प्रॉब्लम है। अच्छा। गाने सुन के ना आई कैन नॉट स्टॉप माई सेल्फ, वो मैं फिर डांस शायद मैं बीच में खड़ी होती इन सबके। अच्छा हमारे पास एक और डांस पड़ा हुआ है, वो भी हम रोल कीजिएगा, दिखाइएगा। हाँ डांस पड़ा। ओहो
के डांस शुरू कर दिया था यार, पता नहीं उसने बोला कि तुम भी करो ना, तुम्हारी मेहंदी है भाई। वेरी वेरी नाइस यार। एक्चुअली हुआ ये कि ना मैं कि सब माशाल्लाह से ये सब अच्छा, अभी तो और भी हैं आगे, पता नहीं आगे भी आएंगे। नहीं आगे भी आएंगे, आगे कितने लोग हैं। अच्छा मोहिब और टीपू जो है वो करते रहे डांस। मोहिब और टीपू भी, मोहिब और क्योंकि टीपू ने मोहिब की शादी भी किया था, मोहिब ने टीपू की शादी भी किया होगा, कोई वजह हमने उनकी शादी भी किया था, क्योंकि वो पिक्चर किया ना तो हम तो मतलब बड़ा वी स्पेंड डेज एंड नाइट्स टुगेदर, तो बड़ा मजा आया शमून के साथ काम करके, बहुत अच्छा। लुक एट दिस, लुक एट दिस, दे आर गोइंग बिंदास, मतलब रुक ही नहीं रहे। वेरी नाइस, वेरी वेरी नाइस यार, वेरी नाइस। अच्छा हिरा क्या फील क्या कर रही थी? आई नो मानी से मुलाकात हो गई थी और मोहब्बत भी हो गई थी और शादी भी हो रही थी, बट लग रहा था कि घर छोड़ के जाओगी। मतलब हाँ बहुत खुश थी मैं, मतलब मेरी जिंदगी का अब तक का बेस्ट मतलब जो मुझे खुशी मिली है ना वो मेरी शादी थी। अच्छा ये बताओ मरियम खान कौन थी? नहीं, we want to know now, we want to know। मरियम खान एक डरी हुई लड़की थी क्योंकि उसकी एंगेजमेंट हुई भी थी और उसको मानी से बात भी करनी थी। तो प्लीज कैसे बात की थी बताओ ना। मैंने कहा था हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, नहीं ये तो टोन बिल्कुल नहीं थी। हां तो हेलो अस्सलाम वालेकुम क्या हो रहा है? अच्छा भाई ज्यादा ओवर ना हुआ करो, पता है तुम बहुत ही बड़े कोई स्टार हो गए, लेकिन हाँ ठीक है बस सही है। अच्छा सुनो तुम मुझे बताओ तुम्हारा फेवरेट क्या है? अच्छा ये क्या है? अच्छा पता है क्या आज मैं फलाना जगह गई थी तो भी सुन रहा था कि कौन है औरत जो बोले ही जा रही है, वो एक अजीब सा मेरा कोई फेस था, मैं बातें किए जा रही थी। वो एक्चुअली हुआ ये क्या ना, मैं ये रेहान और मैं थे, हमने स्पीकर ऑन किया हुआ था, फोन भी सस्ता वाला ही हुआ, 8-9 साल मेरे 10 साल पहले की बात है, उस जमाने का बेहतर होगा। तो वो सर्दियाँ थी, सर्दियाँ थी तो हम लोग अचानक एक लड़की गाड़ी में बैठे हुए थे, मेरा ख्याल मेरे पास गाड़ी थी, नहीं होती थी गाड़ी, शायद रेहान के पास होती थी, रेहान की रेंट कार सेंट्रो थी, लेकिन मुझे चलानी नहीं आती थी ना। हाँ। मैं तो ड्राइवर पे, अब तो ये तो मुझे 4-5 साल पहले मैंने गाड़ी सीखी है। अच्छा सीरियसली? अभी तो सीखी है मैंने, वो भी मैंने मैं लेके गई थी गाड़ी ना, नहीं वो सबसे पहले ड्राइवर ने जो फेंकी थी चाबी, उसके बाद मैंने कहा था कि इसकी हमारे ड्राइवर से लड़ाई हो गई थी, उसने चाबी फेंक के चले गए थे, मैं मानी ऐसे बैठे रह गए अब हम क्या करें, क्योंकि ना मुझे आती थी ना मानी को, तो मैंने कहा चलो उस्ताद आप तो आज तो गाड़ी चलानी ही पड़ेगी। खैर मैंने गाड़ी चलाई तो मुझे मानी ने कहा बेगम चला रही, मैं 2-3 दफा ना हम लोग बोर्ड पे सुन गए नाश्ते पे ना, तो ये चिढ़ जाता था ना कि उधर पार्क करो, मैं ना जान बूझ के मैं सारी जिंदगी ड्राइवर के साथ बैठा हूँ, तो मुझे आइडिया था पूरा गाड़ी किस तरह चलती है, मुझे ज्यादा अच्छा आइडिया है, राइट हैंड लेन पे तेज चलती है, इसको तो नहीं पता कहीं पे कोई सी भी लेन में कोई सी भी चला रही होती है, और अक्सर बम्पर हमारी गाड़ी के जो टूटते हैं गाड़ियों के बल्कि टूटते हैं तो वो हीरा उसकी वजह होती है। अभी अभी पिछले हफ्ते मरियम के साथ क्या हुआ था? मरियम ने जब कॉल किया तो फिर क्या हुआ, क्या फील किया? मुझे तो असल में ये आदत थी कॉल्स की, टेलीफोन कॉल ये चीजें मेरी बहुत लाइफ इसी तरह चलेगी, एक साल चल रही एक सबकी होती है, सभी की ऐसी चल रही होती है। तो हो ये गया कि मैंने फिर फुल स्टॉप लगाया, मैंने बात की, मैंने कहा यार बात इंटरेस्टिंग बात, तो उस जमाने में मेरे फोन वेटिंग स्टार्ट हो गया था, नहीं फोन वेटिंग में तुम्हारा फोन बहुत एंगेज जाता था, पता नहीं किन किन से बातें करते रहता था, अल्लाह माफ करे भाई, तलाश में था ना मैं भी, तलाश इंपॉर्टेंट होती है। तो वो एक्चुअली हुआ ये कि फिर मेरी इससे बात होनी शुरू हुई, फिर मुझे मजे की लगनी शुरू हुई, फिर मैं मिला इसकी दोस्त से मिला जिससे मैं बात कर रहा था ऑलरेडी, तो जब मैं उससे मिला तो फिर मैंने कहा नहीं यार ये ऑप्शन बेहतर है सेकंड वाला। लेकिन वो हुआ ये कि वो भी इंटरेस्टिंग वाक्य है। यहाँ पर एक काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, मुझे कमर्शियल में जाना है। लग रहा है हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। अभी तो जानना है कि इन लोगों की मुलाकात इस तरह से हो गई थी, फिर बाद में क्या हुआ, किस तरह से हुआ। एक्चुअली मैं ये बता रहा हूं आपको, जितने टेलीविजन के लोग होते हैं 90% की होती है लव मैरिजेस, वो बताते नहीं वो अलग बात है, लेकिन 90% की लव मैरिजेस होती है। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपको बताते हैं ये लव मैरिज कैसे हुई, छोटा सा एक ब्रेक है, आप समझते हैं ब्रेक के बाद, विल बी राइट बैक, गुड मॉर्निंग। अच्छा ये गाना मानी के लिए स्पेशली, क्योंकि ये मानी को जब मैं देखती थी टीवी पे तो मैं ये गाना गाती थी उस वक्त, ये गाना था मेरे
नाचेंगे गाएंगे ऐश करेंगे एक वैसी बात है अब होस्ट तो जितने भी जहर लग रहे हो ना गेस्ट फिर भी होस्ट की एक एक्टिंग होती है जो होस्ट को करनी होती है। मेरे साथ क्या बात है, क्या लग रहे हैं आप लग नहीं रहे मेरे साथ थोड़ा डिफरेंट है ऑनेस्टली। मैं नहीं नहीं आपके साथ सब डिफरेंट क्यों है, आप कौन है, क्या मतलब आपके यहाँ हर चीज इतनी डिफरेंट क्यों है, व्हाई पता नहीं आई थिंक मैं सिर्फ इसकी सुनता हूं। सो डिफरेंट एवरी टाइम मेरी जाहिर जाहिर एक भाई साहिर एक अलग तरह का बंदा है। हाँ अब देखो ना साहिर लोधी अलग है, मानी अलग है। मेरी तो कभी भी बड़ी अगर कहते ना कि जैसे उर्फे आम कराची की जबान में हट जाए ना अगर किसी गेस्ट तो मेरी बड़ी उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता था। मैं अहिरा का भी शो कर रहा हूँ या मैं अकेला कर रहा हूँ तो मुझे याद है एक आध मेरे बड़ी खूंखार लड़ाई हुई है दो तीन गेस्ट से तारीखी एक ही दफा हुई है मानी नहीं, नहीं, तुमसे पहले भी अच्छा ओ तुम्हारे साथ हुई थी ना। शो करो ना मैं आता हूँ भी वैसे साहिर लोधी आपके भी कोई इस तरह का वेडिंग वीक होना चाहिए। मेरे को होना चाहिए, होना चाहिए। किधर है आपकी वेडिंग वेडिंग बेल और उस स्पेशल शो को हीरा में होस्ट करेंगे तो ये गो डन उस शो की हीरा में स्पेशली आएंगे आप डन डन डन। वो नहीं बुलाए तो फिर नहीं वो हाँ फिर वही वाली बात क्या मतलब नहीं बुलाए क्या मैंने बोल दिया आप लोग वादा करेंगे आप लोग आएंगे मैं बुला लूंगा बस यही डन है। नहीं नहीं ऑनेस्टली देखिए इतना अच्छा वेलकम और इतना अच्छा इंटरव्यू और इतना मजा आया हमने जो है वो खैर शो एंड थोड़ी हो रहा है तो एंड में होती है बातें पागली हो गई मैं एक्साइटेड हो गई हूँ ना साहिर के साथ देखे बराबर मैं ऐसे खड़ी मानी सॉरी यार। अच्छा ये बताइए जब मुलाकात हो गई थी हाँ तो प्रपोज किसने किया पहले भाई मैंने कहा मुझे शादी करनी है बस क्या मतलब है ये हमारा सीन यही है हमारा सीन यही है भाई कि हम पीछे नहीं भागते। अच्छा हमारे पीछे आते हैं लोग जी कैसी हैं आप ठीक ठाक मजे में अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक ठाक क्या हो रहा है कॉल से ना वो हमारा हम आपसे बहुत प्यार करते हैं हम चाहते हैं हम कॉल दें और आप मगर हमारा जो रब्त होता है ना बातों का वो आप थोड़ी देर में कॉल करेगा हम ये इसी शॉप पे नहीं नहीं यार कॉल क्या मतलब है जी कैसी हैं आप ठीक ठाक हैं हाँ जी बिल्कुल ठीक कैसी हैं आप कैसी हैं आपकी अरे वाकई कॉल भाई हाँ जी बोलिए 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 अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम हमारे साथ हीरा और मानी हैं हीरा आप भी कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक आप कैसी हैं भाई अल्लाह की मेरी आपसे बात हो रही है पागल हो जाऊंगी खुशी से नहीं 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 वो जिम्मेदारी मैंने ले ली है पागल होने की किसी के शो में सचमुच में लड़ाई हो गई थी बेचारी बीवी ने बताया कि ये इनको पता नहीं कोई मासूम से मियां बीवी थे कोई नहीं मैं भी होस्ट लड़ाई नहीं नहीं मैंने मैंने देखा अभी शो किसी के फरा के शो में देखा आपकी बात ही कर रही क्या हुआ अच्छा आई एम ऑल ग्रीन चारी बीवी ने बताया कह रहा है कि इनको पता नहीं 2 लाख रुपए मिले थे क्या इसका चेक था तो इन्होंने मुझे 20,000 रुपए बताए थे तो बीवी बीवी पता नहीं चला मुझे मासूम की बात मैंने शो देखा था लाइव शो ऐसी कभी देखते थे ना देख लेते यदि वो घर में चेक आ गया घर में चेक आ गया था तो उन्होंने देख लिया 2 लाख का चेक थे वो लोग वो एक है वो लाहौर के हमारे अच्छा डीओ कॉलर थी हाँ जी चली गई आप हाँ वो चली गई वो आप लोग इतना इतना टाइम दे रहे थे उनको उन्होंने कहा अब जाते हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं और साहिल लोधी आपसे बहुत प्यार करते हैं और मानी आपसे बहुत प्यार बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा एक और टेलीफोन कॉल है लेट्स टेक दैट उसके बाद डांसर्स की तरफ जाएंगे। सलाम अलैकुम हेलो साहिल भाई हाँ जी सलाम अलैकुम कैसी हैं आप अल्लाह का शुक्र आप सुनाएं बिल्कुल ठीक ठाक हीरा और मानी हमारे साथ मेहमान है प्लीज बात कीजिए जी जी अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप ठीक ठाक पता है आपको मैं बताऊं आप शक्ल से और एज से इतने छोटे छोटे लगते हैं बिल्कुल मासूम से बच्चे हम नन्हे हैं नन्हे हां नन्हे बच्चे और बातें और आपका काम मैं आपको
बताती हूँ, जब मियाँ बहुत ज्यादा बेबी की तरह पाले ना आपको और प्यार करे और आप पे कोई जिम्मेदारी ना दे, तो फिर वो बीवी ऐसी रहती है आखिर मरते दम तक। आपको बताऊं क्योंकि मेरे पास, हाँ जी जी, मैं आपको बताऊं, आप लोग वाकई छोटे छोटे लगते हैं लेकिन जो आपके काम, आपकी बातें माशाल्लाह इतनी बहुत ही बड़ी होती हैं, इतना अच्छा काम कर रही हैं, वाकई आप लोगों को सलूट करने को दिल करता है। नहीं नहीं, थैंक यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, ये आपका प्यार है, बिलीव मी नॉट। हम, मैं एक बात कहता हूँ कि एक आम सा लड़का, एक अपार्टमेंट का लड़का, मैं गुलशन इकबाल की अली अपार्टमेंट का एक लड़का, और मैंने एक ड्रीम सोचा था कि यार मुझे लोग पहचाने, मुझे लोग पसंद करें, और मुझे कभी कभी मुझे जितना शुक्र अदा करूँगा मैं, पता नहीं कहाँ कहाँ कौन कौन सी दुनिया में हम जाते हैं और कहाँ कहाँ के पता नहीं कौन से लोग पहचान लेते हैं और पसंद करते हैं। Not only know you, they love you. They love you. और तुम्हारे ड्रीम ये भी तो था, तुम्हारी बीवी की हाई फाइव सेवन और वो बहुत खूबसूरत। हाँ, ये भी था, ये भी था, ये बिल्कुल नहीं था मजाक। एक और कॉल ले लो। नहीं, हेलो, अस्सलाम वालेकुम मानी भाई। ये पता नहीं, ये बहुत चलाक आदमी से मैं कॉल में लगा दी। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं और हीरा आपकी तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। अच्छा, क्या पसंद है आपको? हीरा आपकी मुझे आप बहुत बहुत थैंक यू सो मच बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम बात कर रही हूं मैं आपसे। वेरी थैंक यू सो मच। हीरा का एक्चुअली प्ले चला है मुझे पहले, तो उसकी वजह से वो जो है वो मैं उससे पहले मैं पसंद नहीं थी, वो थी लेकिन वो एक नया एंगल देखी है लोगों ने कि यार ये सीरियस भी कर सकती है, तो फिर वो ज्यादा होता है ना। नहीं, थैंक यू सो मच, आपका प्यार है, बस दुआओं में याद रखा करें, और सारा क्रेडिट जितना भी मैं आज यहाँ खड़ी हूँ या मैं बात कर रही हूँ आपसे, इसका सारा क्रेडिट मेरे मियाँ को जाता है। थैंक यू, थैंक यू, कॉपीराइट। क्योंकि वो कहते ना, आज मैं जो भी स्टार हूँ या नहीं हूँ या जो भी हूँ, अच्छी हूँ बुरी हूँ, वो सब मानी को क्रेडिट जाता है। थैंक यू, थैंक यू। और इसीलिए मैं कहता हूँ कोई और है तो बताए, क्या मतलब है मतलब किसी और को स्टार बनना है तो एक्चुअली नहीं, टैलेंट भी होना, ऐसी भी नहीं, टैलेंट होना जरूरी है, क्योंकि मैंने और भी लोगों में देखा था टैलेंट लेकिन तुम्हें सबसे ज्यादा। अच्छा जी, इनकी ब्रेक मिलना चाहिए आपको भी यार। जी नहीं नहीं, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, आई एम लविंग इट। एक तुम लोगों की रस्में हैं तो वो शुरू हुई हैं, तो लेट्स सी दैट, लेट्स वॉच दैट, और उसके बाद फिर हम बात करते हैं। सर दिखाइएगा, मरीना खान थी, ये तला और उबैद है, ये भाई है हीरा के। अच्छा, ये उबैद और तला है, एक सलमान खान है और एक संजय दत्त। हमारे पास होगी और तुम्हारी मंगनी हमने, तुम्हारी मेहंदी हमने करनी है, दोबारा करनी है, दोबारा करनी है। अब पैसे मंगेंगे आर्टिस्ट आएंगे तो
नहीं कोई नहीं मांगेगा पैसे, कोई मांगेगा यार, कोई ऐसा क्या है, और पैसे मांगेंगे तो दे देंगे। कौन कौन लोग जरा बताइए मुझे। ये मेरा छोटा भाई है हसन, ओके, और ये मेरी कजन निदा। ओके ओके, निदा कितनी निदा बहुत टाइम। मैं भी कितना दुबला हूं। अच्छा, तुम लोग की जो जो मेहंदी थी वो टाइम पे खत्म हो गई थी? हाँ, पता नहीं चलती रही थी 3-4 बजे तक साढ़े, क्योंकि वो अली खान एक मानी की फ्रेंड होती है, उन्होंने आके गाने गाए थे। अच्छा, सुरमई आंखों में जो है। अच्छा ओके ओके, भी आया था। Alright. तो अभी ये गाने वाने का सेशन आगे होगा, आगे होगा। Wow, बस कल तक हम यही बैठे कल तो बात है। ठीक है इसी शो पे। अच्छा, ये कौन है? एक घंटा बढ़ाने शो। अच्छा, दिस इज योर ब्रदर। हाँ अच्छा, ये कौन है जो बड़ा? ये मेरी कजन है। ओके, ये जितने भी लोग बहुत एक्साइटेड दिख रहे हैं ना, वो मेरी तरफ के और टेंशन में मैं हूँ कि खाना खुलना है, मुझे पता नहीं था कि क्या चक्कर। ऐसा ये मेरी लड़की पे होती है ना कि यार ये लोग आ जाएं, मेहमान हैं, कोई मिल रहा है नहीं मिल रहा। वैसे कितने पुराने सारे कैसे लग रहे हैं, माफ करें। थोड़ा सा इसको जरा वो कीजिएगा मानी, मेरी तरफ के लोग बहुत मेकअप करे हुए हैं यार। मैं थोड़ा सा संजीदा बात करूंगा। साकिब साहब, बिल्कुल, दैट्स योर फादर। आई हैड द प्लेजर ऑफ इंटरव्यूइंग हिम व्हेन आई वाज एट इंडस। बहुत कमाल आदमी, बहुत जबरदस्त आदमी। मैं अभी जब उनको देख रहा था, हाउ मच डू यू मिस हिम? आई नो ही इज योर फादर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मेरी कहते हैं ना, एक कदम कदम पे हुई थे, इनफैक्ट इंस्पिरेशन हुई थी टेलीविजन पे, हमने देखा उनको बेहतरीन ड्रामे करते हुए। तो एक होता है ना कि आप एक अब्बा आइडियल हो जाता है किसी बेटे के लिए, कहने में यार वो बाबी काम करे। तो मेरा आइडियल यही था कि वो जब भी किसी महफिल में आते थे, लोग मिलते थे उनसे, तो मुझे भी होता था कि यार मैं इनके जैसा बन जाऊँ, इन जैसा बन जाऊँ, थोड़ा सा इन जैसा हो जाऊँ। हालांकि नेचर वाइज मैं अपोजिट हूँ बिल्कुल ही। बहुत से लोग कहते हैं यार वो बड़े धीमे मिजाज के, तहमुल से उर्दू में क्लैरिटी उनकी, और बड़ी साफ उर्दू बोलने वाले, और फिर सीरियस रोल्स करने वाले, और मैं कॉमिक रोल्स और होस्टिंग में भी चलाकियाँ मारने वाला इंसान तो लेकिन ये कहना है कि वो कॉन्फिडेंस अब्बू ने दिया था मुझे, क्योंकि मुझे याद है मैं बीकॉम कर रहा था, बीकॉम कर नहीं पाया था पूरा, बहुत मुश्किल था, पता नहीं समझ नहीं आ रहा था बीकॉम क्यों कर रहा हूँ। लेकिन मेरे अब्बा ने मुझे कभी मुझसे पूछा नहीं था कि तुम क्या करोगे, क्या कमाओगे, कैसे लेके आओगे घर में, वो चीज़ हमारे घर में नहीं थी। शायद इसी वजह से हमारे सारे घर वाले जितने भी भाई हैं, हम लोग आज एक डायरेक्टर है तो एक प्रोड्यूसर है तो एक एनिमेटर है तो एडिटर है, मैं एक एंकर हूँ या एक्टर हूँ, अब तो प्रोड्यूसर भी हूँ। तो वो कॉन्फिडेंस है अब्बा का जो कि हमारे अंदर आ गया, और ऑनेस्टी उनकी, पाकिस्तानियत उनके अंदर, पाकिस्तानी खिलाफ एक लफ्ज़ नहीं सुनते थे। How much, how is your relation with him? बहुत ही अच्छा, yeah? बहुत कॉन्फिडेंस। अच्छा थोड़ा सा चुप हो जाएगा प्लीज, जरा मुझे बात करने दीजिए यहाँ पे, प्लीज डोंट टॉक, वहाँ पर बात मत कीजिएगा प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। बहुत ज़्यादा उन्होंने बहुत प्यार दिया सा है, मतलब मुझे बिल्कुल फील नहीं हुआ जैसे मेरे अब्बू नहीं हैं, मेरे ससुर हैं, कोई ससुर वाली उनकी चीज़ नहीं थी उनमें। इनफैक्ट घर की चीज़ें भी वो इतने, मुझे वो आर्टिस्ट ना नेचुरल लाइफ में भी लगते थे, क्योंकि वो फूड फैक्ट्री होती है ना, वो किसी मर्द से मतलब इतनी फिक्स नहीं होती जितनी वो कर देते थे। कोई बेल्ट ठीक करनी, पेंटर थे, कोई बेल्ट ठीक करनी हो तो करते। मेरी उनसे ना आखिर टाइम पे जब जब वो जाने वाले थे दुनिया से, तो वो मेरे पास रहने आ गए थे, और ये अल्लाह ताला ने भेजा था उनको, वरना वो अगर मेरे से दूर होकर वो चले जाते तो शायद मैं बहुत गिल्ट में, मुझे कुछ हो जाता। तो वो जब मेरे पास रहने आया ना, तो मेरी उनसे वो उस टाइम की जो बॉन्डिंग बनी थी ना साहब, वो अमेजिंग थी। और फिर अब्बू अचानक चले गए, क्योंकि वो वेंटिलेटर से वापस आ गए थे, तो हमें लगा था सही हो गए, लेकिन फिर वो 10 डेज उन्हें पूरा ईद का टाइम गुजारा हमारे साथ, वो लगता था ईद के लिए हमारे पास आए, ईद गुजारने के लिए बेसिकली। वो ये था एक और हेरा का रिग्रेट रह जाता है, हेरा का सीरियल उसके फौरन बाद आया था, तो वो उस जमाने में शायद बन रहा था। अब्बू मुझे कहते थे तुम बहुत अच्छी एक्ट्रेस हो, कुछ सीरियस काम करो, हेरा कॉमेडी नहीं करो, देखो मानी कर रहा है कॉमेडी, तुम कुछ सीरियस करो, मैं तुमसे कुछ सीरियस एक्सपेक्ट करता हूँ। तो जब मेरा ऑनर हुआ, तो उस वक्त तक अब्बू की डेथ हो चुकी थी, तो मैं चाहती थी वो देखें, मगर अच्छा मैं बहुत सिली सी अक्सर बातें करता हूँ, और मैं मेरे बिलीव्स बहुत सिली से, बट सम हाउ दे वर्क फॉर मी। दिस इज योर कैमरा, कुछ उनसे कहना चाहते हैं बोलिए, आज बोलिए, दिल की बात बोलिए। अब्बू से कह दो यार क्या हो गया। नहीं क्यों नहीं, अब्बू से मैं क्या कहूँगी, बस यही कि अब्बू तो खैर अभी पता नहीं देखेंगे नहीं देखेंगे क्या है, कि कभी भी कोई भी गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ कर दें, मैं तो माफ़ी मांगूंगी उनसे, कभी भी कुछ भी हुआ हो, कभी कोई, क्योंकि अब लड़कियाँ या नई नई शादी होती तो आप इतना अंडरस्टैंड नहीं करते अपने ससुराल वालों को ना, लेकिन वो हमेशा बड़े सपोर्टिव रहे हो, हमेशा उन्होंने मुझे हमेशा बहुत प्यार किया, मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरे काम करने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, बस उनको ये था कि
उनको बिलीव था कि मैं कुछ कर लूंगी, और ये जब मैंने पॉलिटिशियन वाला कैरेक्टर किया तो बस उन्होंने नहीं देखा। ये मुझे एक बहुत बड़ा रिग्रेट है अपनी लाइफ में। एक्चुअली अब्बू एक बात कहते थे कि शो मस्ट गो ऑन, वो भी ये कहते थे यार ये तो चलता रहेगा, क्योंकि वो शोबिज के थे। 64 जब टेलीविजन स्टार्ट हुआ तो सेकंड फेज जो था वो उनकी शक्ल आई। उस जमाने में तो उनका ड्रामा था, जो सेकंड ड्रामा लगा था, पहले दिन एक ड्रामा लगा था, सेकंड डे जो था उनका ड्रामा लगा था। तो हमने उनके उनके जो कुतबे पे लिखवाया भी ये कि पाकिस्तान फर्स्ट हीरो, क्योंकि वो ऑफिशियली पहला प्ले था, जो सेकंड प्ले था वो ऑफिशियली पहला प्ले था पाकिस्तान के उस वक्त, वो एक एग्जीबिशन प्ले था, तो हमने लिखवाया था। क्योंकि हम बिलीव ये करते हैं कि वो जो आर्टिस्ट होता है उसकी रूह ट्रांसफ़र हो जाती है, और ये चलती है हमारा जो बेटा और है। नहीं, आप हा? उनसे मिले हैं डेफिनेटली, जो भी लोग उनसे मिले वो रियल रियल लाइफ के ही उन्होंने हर तरह की चीज़ देखी। उनको पेंटिंग भी आती है, स्केचिंग आती थी, उनको हर चीज़, इतने जेंटलमैन पर्सनैलिटी, इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, उनकी सूटिंग्स, उनकी बात करने का तरीका, उनका हर चीज़। शायद वो दौर भी शायद वो जिसमें थे वो बड़ा गोल्डन एरा अमेजिंग था। साहब काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपकी वलीमे की फुटेज हमारे पास है, उसमें भी वो मौजूद है। बिल्कुल पार्ट है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि लोग चले जाते हैं लेकिन हमारे साथ हमेशा रहते हैं, तो दैट सिंपल रीज़न बिकॉज हम उनके बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक, फिर ब्रेक। अच्छा मुझे तुम दोनों के वलीमे की फुटेज देखनी है, बहुत अच्छा लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे थे अभी अभी हम लोगों ने देखी थी, जरा दिखाइएगा प्लीज, रोल कीजिएगा। वलीमे में इज्जत रहेगी भी? नहीं नहीं, बहुत अच्छा। जैसे खोया हूं कहना चाहूं भी तो तुमसे क्या कहूं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ, कहना चाहूँ भी तो तुमसे क्या कहूँ, किसी ज़बान में भी वो लफ्ज़ ही नहीं कि जिनमें तुम हो क्या तुम्हें बता सकूँ। मैं अगर है कुछ भी नहीं, तुमको पाया है तो जैसे खोया हूँ। छोटा भाई जो है और फैसल भाई है, और ये फैसल भाई जो है ना, बड़े हम खेलते थे वहाँ पे पहले एक्सबॉक्स या फीफा,
उसलिए हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी है आपस में। अच्छा देन यू हैव गॉट अस्फर एज़ वेल ना, अस्फर भी तो आपके साथ भी खड़ा हुआ है। अस्फर एंड सलमा वर देयर। बिल्कुल हां, वेरी नाइस। ये मेरी खाला हैं, ये उनकी बेटी हैं। मां क्या बात है, दिस इज अली भाई, अली अली हैदर, अस्फर अली हैदर सलमा। स्टार्ट की वीडियो है, आगे पीछे चलाई अच्छा, हम सब वही के तो पैदावार हैं, हम सब वही है ना, एक ही गैंग के। वाह यार वाह वाह, यूनुस खान के साथ कौन था? वाह जी, लेकिन दानिश है ना? हाँ, दानिश कनेरिया। मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे जीवन साथी, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, कितने साल के बाद देखी है? बहुत साल, 6-7 साल बाद। नहीं मानी नहीं, सॉरी, 6 साल से देखी नहीं है। मेरी लड़ाई इससे होती थी कि कभी बैठ के देखो यार, मैं क्यों देखूं बैठ के, वो खाना खा रहा है, वो आ रहा है। अच्छा ये बताओ, मरियम खान का क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ? मरियम खान से इश्क हो गया फिर मुझे, और फिर ये हुआ कि यार मुझे अच्छा तुम्हारी शादी में कोई विलन वगैरह कभी नहीं आया? नहीं, कोई विलन नहीं आया। एक मंगनी खत्म करवानी थी मैंने, वो मैंने मंगनी खत्म करवानी थी। अच्छा इनकी? हाँ, मेरी एंगेजमेंट हुई थी। ओके, अच्छा। मुझे तो ये था सीधा शादी कर लेनी, तो वो फिर इनकी एंगेजमेंट मैंने इनको फोर्स किया तरीके से करके आके फिर से खत्म की। वो भी शरीफ आदमी था, फोर्स नहीं किया, मतलब मुझे लगता नहीं था मानी शादी करेगा, तो वो मैंने खत्म नहीं की थी, वहां से ही रखा हुआ था। तो पहले मैंने कहा जिससे मंगनी हुई है उससे भाई, हर पाकिस्तान की हर लड़की के घर में उसके अब्बा या भाई उसको ये कहते हैं कि तुम दूसरे घर चली जाओगी, तो हेरा भी उनमें से एक थी कि इसका ड्रीम इनके, इनके वालिद कहते तुम किसी ना किसी के घर तो चली जाओगी। मेरे वालिद साहब को बिल्कुल उनका बस चले, वो अभी भी मुझे अपने घर में रखे, लेकिन क्योंकि मेरी मदर को लगता था कि मेरी शादी जो है वो जल्दी हो जानी चाहिए, क्योंकि मेरे सारे खानदान में सबकी शादियाँ जल्दी हुई। चूज कैसे किया माने और उनके दरमियान में चूज कैसे किया नाउ फाइनली? तो मतलब मानी इज योर यू नो चूज, मतलब शाइनिंग, कैसे चूज किया था, छोड़ा कैसे था, उनको क्या बोला था? मैंने बोला था कि मैं बस अब मैं शादी नहीं कर सकती आपसे, तो उन्होंने भी कहा ठीक है, क्योंकि वो बहुत अजाब सी हुआ उनका, उनको भी लगा होगा हाँ शुक्र जान छूटी इसे। काश सारी रिलेशनशिप्स इतनी आसानी से खत्म हो जाएं। एक्चुअली हुआ ये कि हेरा को शादी नहीं करती थी। ओके फाइन, खुदा हाफिज़ जाओ। भाई मुझे अकवाम मुत्तहिदा की तरफ से एक वो कह रहा मैं एजाजी वो एक सर्टिफिकेट मिलने वाला है कि मैंने मत, क्योंकि हेरा के अलग तरह के मूड होते हैं, उसको आपको एडजस्ट करना होता है। तो अकवाम मुत्तहिदा तुमको ये दे रहा है क्योंकि वो, क्योंकि सबसे कफायत शार शोहर का खिताब जो है मुझे मिल गया है, या सबसे सदी का शार, या क्या कह सकते हैं इसको, कोई लफ्ज़ होगा ना क्या नाम है, जीतने हारने वाली नहीं होती, बस एक ऑब्जेक्शन होता है, एक आर्गुमेंट होता है, टक टक टक, तुम फलाना थी, फिर अपने कामों में, फिर मां नहीं कैसे हां है ना, वो एक बात करनी थी, सही हो जाता है। मेरे जो बेटा है मुजम्मिल, वो भी यूं करता है वो खुद भी मुजम्मिल, क्योंकि अब वो भी आर्टिस्ट है, उसने भी ड्रामा कर लिया। अच्छा। मुजम्मिल से भी आपको मैं मिलवाऊंगी, कभी शो पे लेकर आऊंगी, आप बड़े इंप्रेस होंगे। मुजम्मिल एक डिफरेंट, वो अपने दादा और नाना पे चला गया है, बड़ा बहुत ही जबरदस्त जेंटलमैन टाइप, उसकी पर्सनालिटी है, बहुत थिंकर,
एक दिन कहता है आप लोग दस इन दस लोगों का जिक्र करते हैं टॉप टेन नेम्स जो है ना, तो उसमें कुछ चैनल ओनर्स के नाम थे। हाँ, घर में बैठे हुआ था, मामा कह रहे मामा ये जे जे कौन है? मैंने कहा जे जे है। अच्छा, और ये छोटा सा एक ब्रेक आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अभी 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 वलीमे की कुछ रस्में जो है वो बात मेहमान बाकी हैं, आपसे मुलाकात होती इसी ब्रेक के बाद। कहीं मचाएगा यही रहेगा, वी आर लाइव विद मानिया नेहरा, विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। अच्छा, हम सभी आज तुम्हारी शादी का तो शो है, लेकिन ऑब्वियसली मोइन साहब इज मोइन योर फादर इज आल्सो, तो आज ट्रिब्यूट है उन लेजेंड्स को। तो अगर तुम लोग इजाजत दो तो एक पैकेज हमने पिछले साल चलाया था मोइन साहब के लिए, आज मोइन साहब की बरसी है। मोइन साहब को गए हुए बहुत साल हो गए, मुझे याद है मैं मुल्क में नहीं, पाँच जी आई नो पाँच मैंने बहुत साल इसलिए कहा क्योंकि दिन बहुत बड़े बड़े लगते हैं। आपको नहीं मालूम कि मोइन साहब से मेरा रिश्ता क्या है, मैंने कब कब उनको स्पिरिचुअली देखा है और कहाँ कहाँ देखा है और किन किन मकामात पर उन्होंने मेरी मदद की है। मैं ऑनेस्टली इस बात पे बिलीव नहीं करता कि मेरे अंदर कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से कोई भी मुझे देखे या मुझे पैसे मिले, इतने सारे पैसे मिले कि लोग मुझे देख सकें। लेकिन जो रहनुमाई मेरी मोइन साहब ने की है वो कोई भी नहीं कर सकता। मैंने जो कुछ सीखा है वो उसमें बेशतर हिस्सा इन दो लोगों का है जिनके बारे में मैं कहता हूँ, एक मोइन साहब, दूसरे उमर भाई। ये दो वो लोग हैं जिनसे मैंने बहुत, एंड ऑब्वियसली बुशरापा। मैं किन किन लोगों के नाम लूँ यार, वेदुल्ला बेग साहब से लेकर पुरेशपुर साहब से लाइक अहमद, तो एवरीवन एल्स जस्ट अमेजिंग पीपल। तारण साहब, फिर नईम बुखारी, नईम बुखारी साहब, क्या कमाल है वो, नईम बुखारी क्या कमाल है, दिलदार भट्टी, भट्टी साहब, भट्टी साहब, दिलदार भट्टी साहब, अमेजिंग। और ये पैकेज है जो हमने पिछले साल चलाया था मोइन साहब के लिए, इस साल भी मोइन साहब को खराज अकीदत पेश करने के लिए हम ये उनकी नजर कर रहे हैं। प्लीज वॉच दिस। नहीं भूलता वक्त का एक बहुत बड़ा मुहसिन है मोइन अख्तर। मोइन अख्तर ने वक्त को सिखाया है कि मुस्कुराया कैसे जाता है, मुस्कुराहट कैसे बांटी जाती है, दर्द को कम किस तरह से किया जाता है। कोई बहुत कड़वी बात कितनी आसानी से कह दी जाती है, मोइन अख्तर ने वक्त को सिखाया है कि चाहे कुछ हो जाए, मुश्किलें हों, रास्ते दुश्वार हों, मगर सफर नहीं रुकता। सफर चलता है, कभी कभी यूं भी होता है सफर से बड़ा सफर करने वाला बन जाता है। तो आज बस शायद मैं भी यही महसूस कर रहा हूं, आज मेरे सामने सफर करने वाला सफर से बड़ा है। सफर इस बात पे अपने आप को खुशकिस्मत समझता है कि वो मोइन अख्तर का हम सफर रहा है। कल एक नई सुबह होगी, एक नया दिन होगा, नई नस्ल होगी, नए नाम होंगे, शायद कहीं जज्बे भी नए होंगे। जिंदगी बहुत कम लोगों से पूछा करती है कि तुम क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो, मगर मोइन अख्तर से जिंदगी ने बारहा पूछा तुम्हें जिंदगी से क्या चाहिए, और हमेशा जिंदगी को सिर्फ एक ही जवाब मिला, अपने लिए दूसरों के लिए सब कुछ।
चिट्ठी न कोई संदेश ओ चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन संदेश कहाँ तुम चले गए चिट्ठी न कोई संदेश जाने वो कौन संदेश कहाँ तुम चले गए कहाँ तुम चले गए इस दिल को लगा कर ठेस जाने वो कौन संदेश कहाँ तुम चले गए ओ कहाँ तुम चले गए यादें मेरी भी हैं इनके साथ क्योंकि एक चैनल पे जहाँ पे ये इनका एक लूज टॉक आता था तो उस वक्त हमारा नाम लो यार डेफिनेटली और हम लोग एक साथ बैठते थे इन अ सेंस के जब मुझे इनकी मजे की बात लगती थी इतने बड़े आर्टिस्ट मेमिक इनसे अच्छी कोई कर नहीं सकता था और अच्छा मेमिक भी दो तरह की होती है क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ तो थोड़े छोटी मोटी कर लेता हूँ एक वो मेमिक आर्टिस्ट होते हैं जो कि किसी सियासतदान की नकल उतारते हैं वो आजकल बड़ा ट्रेंड चला हुआ है वो आसान होता है करना क्योंकि आपको पता होता है ये कैरेक्टर है लेकिन एक नया कैरेक्टर इजाद करना वो मोइन साहब ने सिखाया सकते हो और वो एक कॉम्बिनेशन था मोइन भाई का और अनवर भाई का जो है वो कॉम्बिनेशन डेडली था जैसे अलन नन्ना का था अलिफ नून का था उसके बाद अलन ने काम नहीं किया मतलब नन्ना जब चला गया हुआ ही नहीं ना फिर उसके बाद फिर काम हुआ ही नहीं फिर वैसे काम हुआ ही नहीं तो मुझे ये अच्छा बिठा लेते थे बैठ के यार सुनो ये मैं कहता यार ये इतनी मैं क्या बता दूंगा लेकिन वो सबको मैं नहीं खाली अकेला शायर भी अगर वहाँ पे होगा तो एक बड़े आदमी की निशानी है ना एक बड़े आदमी यहाँ रोकते हैं ये तो शो यार ऐसा है कि तुम लोगों के साथ दोबारा करना ऑनेस्टली दोबारा करना बिकॉज ये अभी अभी कंक्लूड नहीं हुआ है तो इसको मैं यहीं पर छोड़ रहा हूँ प्लीज डू कम अगेन तुम दोनों दोबारा मैं इसको बाकी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ एक और एपिसोड है और इस बार इनकी मेहंदी हम लोग करेंगे आप यहाँ बैठेंगे हम लोग यहाँ डन है ना आपसे मिलेंगे मंडे को तब तक के लिए खुदा हाफिज़।